चार पैसे कमाने क्यों जरूरी हन? ये बड़ी गुझी गल है। चार पैसे कमाने लई बंदा सारा दिन मेहनत करता है। जा पुत कोई काम कर ले, घर विच चार पैसे आ जाणगे। जां जे अज मेरे कोल चार पैसे हुंदे तां मैनू कोई इस तरह ना बोलदा। बंदे कोल चार पैसे होण तां ही बंदे दी कदर पैंदी आ। इहो जिहियां कहावतां कई हन जो असीं अक्सर सुणदे रहिंदे हाँ। की तुसीं कदी सोचिया है कि इस गल पिछे की राज है? कमाउण लई चार पैसे ही क्यों चाहीदे हन? पंज पैसे क्यों नहीं जां तीन पैसे क्यों नहीं? पंज पैसे विच की वाधा होवेगा जां तीन पैसे विच की घटेगा? यह बड़ी डूंघी अते सिक्ख्या देण वाली गल है। आओ पहलां समझिए इन्हां चार पैसों का भेद कि आखिर इन्हां चार पैसों का करना की है। पहला पैसा खूह विच पाउणा है। दूजे पैसे नाल पिछला करजा मोड़ना पवेगा। तीजे पैसे नाल भविख लई करजा लिया जाना है। अते चौथा पैसा अगे लई जमा करना है। किवें? पहला खूह विच पाउणा मतलब अपना अते अपने परिवार पत्नी अते बच्चों का पालन पोषण करना, यानी ढिड रूपी खूह लई। दूजा पिछला करजा चुकाउणा, अपने माता पिता की सेवा करनी, उन्हां द्वारा किए गए साढ़े पालन पोषण का करजा चुकाउण लई। तीसरा भविख लई करजा, बच्चों नूं सिक्ख्या दे के काबल बनाउणा तां जो बुढ़ापे विच तुहाडी देखभाल कर सकण। अते चौथा जमा करन दा अर्थ, जमा करन दा अर्थ है शुभ काम, दान, संत सेवा, बेसहारा की सहायता करनी, क्योंकि सानू इन्हां शुभ कर्मों का फल परलोक विच मिलना है। इन्हां कम्मां लई सानू चार पैसे चाहिए हन। जे तीन पैसे रह गए तो काम पूरा नहीं होवेगा अते पंजवें पैसे की सानू लोड़ नहीं। यह है चार पैसे की कहावत का अर्थ। जे गल चंगी लगे तो चैनल में जरूर सबसक्राइब करो जी।